बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से और मेरी बेगम साहबा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होती है, जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएँ उसका नोटिफिकेशन सब बहन भाइयों को बर वक्त पहुँचता रहे। तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो कल वाली वीडियो पे हमारे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आसफ़ कैमरे के सामने नहीं आते, तो सामने आते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर एक ने कैमरा पकड़ना होता है और एक ने काम वगैरह करके वीडियो हमने बनानी होती है। तो मैं अगर घर पे ना हूँ तो फिर बेगम साहब स्टैंड वगैरह इस्तेमाल करती है, वो भी टूटा हुआ है, ठीक है, उससे भी सही नहीं बन रही। तो इसलिए और ऐसा वैसा ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरा दिल होता ना जे काम ना करें, जे कैमरामैन बन जाए और काम मैं खुद कर लूं, इसी चलो फिर करो फिर काम। आगे मैं पता है मैं तो खत्म दे लिया है, खत्म नहीं काम में तो हो गई है तो मैं करना पड़ना। बाकी थोड़े मैं बन के रख देते हैं, जेड़े वो गंदम वाले खाली किए ना गंदम बाद तो पा देती है हवा शवा ना फिरे, ठीक है, हवा फिर जाएगी ना तो फिर तो बाद सट देंगे ले आओ। क्यों लिया रख रखे चिड़ी छक्का टूटे भजे सारे वखरे ने रखे ने अपने उन्हें अपने दादा रखे ने बच्चे तो कैसे काम ने ਉਹ ਸਮੀਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੁਸ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲਾਈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਏ ਡੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪਾਲ ਲਾ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਟੇ ਸੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਸੀ ਬੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सिपारे जिल्दा करनी है ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਦੋ ਕਿ ਜਿਲਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆ ਤੋ ਜਿਲਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਕੜਿਓ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕ ਫਿਰ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਖਿਲਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਪਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵੇਚਣੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਅੱਜ ਮੁਰੀ ਕੱਪੜਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੰਮਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋ
ਉਹੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਛਾਪਰ ਨੀ ਲਾਇਆ ਛਾਪਰ ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬੱਜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਪਰ ਚ ਬਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਟੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਟ ਪੱਲੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਪਾਈਏ। ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇ ਪੱਲੀ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। रहमान रहीम जी हमारे पास आए मेहमान, तो अभी उनको चाय पानी देते हैं। तो ये गलास निकाल के बोतल मैंने डाल लिए, साथ में नींबू और बिस्किट हो गए। उनके साथ बच्चे हैं, इसलिए बड़ों का तो रोज़ा होगा लेकिन छोटे पी लेंगे बच्चे, क्योंकि मेहमान तो रहमत होता है, अगर किसी घर में आए तो खुश होना चाहिए। तो अभी ये मेहमानों को देती हूँ चल के, क्योंकि बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल मेहमान है हमारे। किसी ब्लॉग के साथ करती हूँ आज की वीडियो। जो वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो कुछ मेरी जो है क्योंकि आज मैंने खिलारा काफ़ी खिलारा हुआ है अभी तक, क्योंकि शाम हो गई, मैंने कहा अफ्तारी का टाइम हो रहा है, पहले खाना खाना बना लेते हैं उसके बाद और काम करूँगी। फिर अपने पास रखा हुआ है, ये घी भी डाल लिया है, आग भी जला ली, चूल्हा भी आग डाली है। कल का मुझे सहूलत बहुत ज्यादा मिल गई है, क्योंकि आगे गर्मियाँ भी आ रही है, तो इस वजह से गर्मियों में बाहर खाना पकाना काफी आसान होगा। इस वजह से मेरा दिल काफी खुश है, क्योंकि मेहमान के पापा घर आए हुए हैं, जितनी जेब खाली करवा लो उतनी काफ़ी है, तो क्योंकि बाद में हाथ से निकल जाते हैं, फार उड़ जाते हैं, कभी कभी हाथ आते हैं, इसलिए मैंने कहा ये काम भी मैं कर रही हूँ। तो इसलिए एक तो गैस ज़्यादा महंगी हो गई है जो सच्ची बात है, तो दूसरा ये चूल्हा जो लीजा है इसका काफ़ी बेहतर है, अम्मी लोग भी कह रहे थे इसलिए। तो अभी शायद चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, अभी फटोफट अफ्तारी से पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया है और नहारी नहाते हुए और मेहमान भी हमारे आए हुए थे, तो इसलिए वो गए हैं। तो अभी अफ्तारी से पहले फटोफट सिंगल करनी तो वो करेंगे, और साथ साथ जो भी सीन बना अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात है कि एक माह जो अभी बच्चों को बुक्स लिखे हुए हुआ है, तो जो जिल्दे मैंने करके दी थी वो ख़त्म हो गए, मेहमान के पापा लगे हुए हैं जल्दी करने के लिए, और कबीर बेटा बैठा हुआ साथ में शरारतें करने के लिए, जो फिरोजी टेप वगैरह होती है ना लगाने के लिए, वो सारी जाया कर रहा है। ये ऊपर छत के ऊपर क्या कर रहे हो? तो अभी जी करेले मैंने डाल दिए, अच्छी तरह उनको तलाई करती हूँ, उनका कलर किया होने तक।
इतनी देर जिंदे भी करते हैं साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ जब भी करते हैं और जो भी चीज़ बना अपना वो शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बालों के छोटे छोटे टुकड़े मेरे बच्चे ने कर दिते, दापरे पाई जाते बहर बैठ के करेले साढ़े तलाई हो गए, तो इन्होंने बेच मैं पा लैनी है प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फटाफट इस तरह ही सादा सिंपल जो बनाने पेस्ट बना लेंगे, माल पा लिया टमाटर में से टमाटर कम ही माल में रखा हुआ दही पाने वास्ते, दही भी पा दी इन्होंने पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। बेटा तो ले आता है भाई टुकड़े करी जाता है बहर बैठ के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम पा लेंगे जी नाल दही भी। अच्छी तरह बनाई तरह के नाल ही पा लेंगे मसाले। मसाले मैं इधर रखे वैसे करेले लाया भी सी नमक हल्का जहा नमक पा लें बिच सुरख मिर्च भी थोड़ी पेगी थोड़ी जी हल्दी पाने सुरख मिर्च भी पा दीती हूँ अच्छी तरह सारी लसन प्याज हर चीज़ की अच्छी तरह बुनाई कर लें। अठ दस दिन अभी चले गए अस उधर गंदम की कटाई वास्ते तो फ्रिज चलती छड़ गए अभी फ्रिज के काफ़ी बर्फ जम गई है हूँ बंद की तो हूँ जो फ्रिज पिछला बर्फ सारी फुट के बाहर साफ करने वे वे खिलटे बने पे ने बंद की थलो क्यों चिट्टा चिट्टा लथ गई थलो जो मैं बर्फ उतो लानी है तो थोड़ी देर बंद करके तो फिर लाया कर गोश्त फिर लभदा कोई नहीं चलेगा ये बेटी मेरी ने मेरे नाल सोना ता आ गई उठ गए चलो ठीक है फिर तू कर लो साफ जी असि हम लेट गए फिर उत सोने हाँ नहीं हुई साफ है बेसन च रखना सही हो जाए आ जा मैम बेटी चाय पीनी बेटी ने है चाय सुबह बनावांगे हूँ है हूँ सोई है चलो।